नरक जरूर जा सकते हैं। और जो उन्हें जिन जीवों को ज्ञान नहीं है उनको भटका रहे हैं, वो भी दुर्गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु की अवहेलना जो करेगा उसकी दुर्गति निश्चित है। वो देव शास्त्र गुरु के प्रति जो असाध अकाढ़ श्रद्धा रखेगा वही मोक्षगामी जीव है, वही सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। और जो ऐसा कहते हैं उन्हें कोई भी हमारा, हम तो क्या साक्षागर क्या आचार्य विशुद्ध सागर क्या, विशुद्ध सागर जी का एक शिष्य भी जो अभी कोई दीक्षा नहीं ली वो भी बता देगा, और तो और यहाँ की राजेश डब्बू बता देंगे कि ये मिथ्या दृष्टि है, यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है। ये तो सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है कि हमारी क्वालिटी क्या है और तुम्हारी क्वालिटी क्या है। यहाँ क्वांटिटी नहीं चलती, यहाँ क्वालिटी चलती है। पिता पुत्र भाई फिर भी तीनों एक हैं, तीनों एक नहीं हैं। तीनों एक हैं फिर भी तीनों एक नहीं है। एक पुरुष में पुरुषत्व भी है और पुत्रत्व भी है, भ्रातत्व भी है, पतित्व भी है, मातृत्व भी है। संबंध की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है लेकिन वस्तु की अपेक्षा से एक है। वस्तु जीव द्रव्य है तो एक है, और संबंध की दृष्टि से भिन्न भिन्न है। जिस तत्व की प्रूरूपणा होना चाहिए थी उस तत्व की प्रूरूपणा लोगों ने नहीं की, और वैज्ञानिकों ने धर्म ग्रंथों से तत्व निकाल लिए। हमारी कैसे कैसे चोरी हुई, हमारे ग्रंथ चुरा लिए, हमारे मंदिर छीन लिए, हमारे जैनत्व को नष्ट कर दिया। लेकिन कितना ही कर लें, हमारे कितने ही जिन मंदिर ले लें, प्रतिमा ले लें, वो पूजा करें, वो तो पुण्य कमाएंगे, लेकिन हम तुम छुड़ा लो, हम और विराजमान कर लेंगे और बना लेंगे। ये हमें वरदान है, ये हमें जिन देव का आशीर्वाद है कि तुम्हारा कोई छीने तो छीन लेने दो। वो आज क्या कर रहा है, उन जिन देव को ही तो पूज रहा है, भले किसी रूप में पूज रहा। जितने जितने बड़े मंदिर जिनके पास हैं वो जैन धर्म के हैं, और जिन उनमें जैन तीर्थंकर विराजमान है, तीर्थंकर की ही प्रतिमा पूज रहे हो, भले किसी रूप में पूज रहे हो, चाहे बद्रीनाथ बाबा पूज रहे हो, चाहे बालाजी पूज रहे हो, सब में जिन प्रतिमा है, पद्मनाथ मंदिर ले लो, पूजो, हम और बना लेंगे। कहीं तो दिगंबरत्व दिखेगा, कहीं तो तुम्हारी आस्था जुड़ेगी। भले तुम बब्बा के रूप में नहीं, पिताजी के रूप में नहीं पूज रहे, बब्बा के परादादा परदादा के रूप में पूज रहे। आज तुम हमें स्वीकार नहीं कर रहे, हमारे मंदिरों में तुम कब्जा कर रहे हो, हमारे श्रावकों को पूजा करने नहीं दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे दादा परदादा महावीर स्वामी तो वो ही है। महावीर स्वामी तो अलग नहीं है, ले लो, हम और बना लेंगे। आज तुम लड़ोगे तो क्या पा पाओगे, दिगंबरत्व नहीं छीन पाओगे। 18,500 वर्ष तक ये जिन शासन है ऐसे ही चलना है। वैज्ञानिकों ने धर्म ग्रंथों से तत्व को निकाल लिया और अपना नाम दे दिया, अनेकानेक लोगों ने अपने सिद्धांत बना लिए, परंतु विश्वास रखना ये सिद्धांत तत्कालिक है। जैसे कोई कंपनी से कोई कार खरीद के लाता है और अपने शोरूम पर रखकर अपने नाम से बेचता है, तो वैज्ञानिकों ने बिक्री करता, ऐसे ही वैज्ञानिकों ने अरिहंत की वाणी की कंपनी से सिद्धांत निकाले और अपने नाम का मार्का लगाकर बिक्री कर रहे हैं।
कि ये फलाने का सिद्धांत है, ये फलाने का सिद्धांत है, लेकिन ये सब जैनत्व से, हमारे जैनागम से निकाले गए सिद्धांत हैं। गोरस की दृष्टि देखेंगे तो तीनों एक हैं, लेकिन संज्ञा की दृष्टि से देखेंगे तो भिन्न भिन्न है, संज्ञा की दृष्टि से भिन्न नहीं है। स्वाद की दृष्टि से भिन्न है, संज्ञा की दृष्टि से दही में, घृत में, दुग्ध में भेद है, भेद नहीं है। इस संज्ञा मात्र में भेद नहीं है, इनके स्वाद में भी भेद है। जब तू पति होता है उस समय तेरा स्वाद भिन्न होता है, और जिस समय तू पुत्र होता है उस समय तेरा स्वाद भिन्न होता है, और जब तू पिता होता है तो उस समय स्वाद भिन्न होता है, लेकिन फिर भी वस्तु एक है, इसलिए एक में अनेक, अनेक में एक, स्यादवाद सिद्धांत। यही तो जैनत्व का सिद्धांत है, स्यादवाद। स्यात एक, स्यात अनेक, संबंध अपेक्षा अनेक, गुणों की अपेक्षा अनेक, स्वरूप की अपेक्षा एक, धर्म अपेक्षा अनेक, एक द्रव्य अनेक आत्मक, अनेक धर्मात्मक है, एक द्रव्य में अनेक धर्म विराजमान होते हैं। जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, रसायन शास्त्री बैठे हों, ध्यान से सुनना, चेतन द्रव्य चेतन भूत है, अचेतन द्रव्य अचेतन भूत है। चेतन को समझाने के लिए अचेतन का दृष्टांत दिया जा सकता है, पर चेतन को अचेतन नहीं किया जा सकता। ये जाप माला है, ये अचेतन है, इसका दृष्टांत तो किया जाता, दिया जा सकता है, लेकिन इससे बुलाया नहीं जा सकता कि मैं जाप हूं, इसे चेतन नहीं किया जा सकता। ये तो अचेतन है, इसका दृष्टांत दिया जा सकता है। द्रव्यशील जो है वह छह द्रव्य है, परंतु अपने अपने स्वभाव में द्रव्यशील है। जीव गैस भूत है, नहीं होता होगा, और गैस जीव भूत नहीं होगी। जो गैस है वह पौद्गलिक द्रव्य है, और जो आत्मा चेतन द्रव्य है। जो आत्मा है वह चेतन द्रव्य है, चेतन निर्मित नहीं होता। जो भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में सूत्र आते हैं समझाने के लिए, वस्तु के लिए कोई सूत्र नहीं होता। ग्रंथों में जितने कथन हैं वे सब प्रज्ञा के लिए हैं, समझने के लिए हैं, वस्तु के लिए कोई सिद्धांत नहीं लगते हैं। ज्ञानी जो भी सूत्र हैं वे अपनी बुद्धि में बैठालने के लिए हैं, वस्तु के लिए कोई सूत्र नहीं होता, वस्तु के लिए कोई सूत्र नहीं होता। एक जीव कह रहा है कि अग्नि पाचक है, एक जीव कह रहा है कि अग्नि पाचक है, दूसरा जीव कह रहा है कि अग्नि दाहत्व है, और तीसरा जीव कहता है अग्नि में प्रकाशत्व है। धर्मत्व अग्नि में है, तिरकालित धर्मत्व अग्नि में है, लेकिन ज्ञानी अग्नि अपने आप में तटस्थ है। आपको मेरा उपयोग जैसा, अग्नि कह रही है आपको मेरा उपयोग जैसा करना है आप वैसा कर सकते हैं। वैसी संज्ञा दो, मैं तो एकत्व भूत मात्र हूं, उष्णता मेरा धर्म है, मेरा जो मुझे अध्ययन के रूप में उपयोग करेगा उसे प्रकाश मिलेगा, और मेरा जो रोटी बनाने में करेगा तो दाहक है। वास्तव में सच्चाई दिखाए वही सच्चा मार्ग है। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनि राज की।